अवाना जी की बेटी का आज शगुन था आज का, तो वो रात को फ्लाइट से आ रहे हैं अभी। वाजिब भी भाई वो ऑस्ट्रेलिया है, वो भी आ रहा है। और वैसे मिलते जुलते रहते हैं। वैसे भी क्या है, ये हमारी कार्यकाल का तो सरकार का 5 साल का कार्यकाल था, उसका हाफ टाइम हो गया, तो उसमें लंच हो ही जाता हाफ टाइम में जो, तो उसके बाद भी थोड़ी रणनीति भी चर्चा होती है, थोड़ा नाश्ता पानी भी हो जाता है, और हमारे माइनस क्या है, प्लस क्या है, हमारी स्थिति क्या है, इस पर हम चर्चा करते रहते हैं, रोज ही करते रहते हैं। माइनस कैसे बात? अब वो तो अब कल अवाना जी आ रहे हैं, हमारे सारे साथी बैठते रहते हैं, हमारी तो आपस की बात, हमारी एक टीम है। जैसा कि भाई संदीप भाई ने कहा, जैसा कि अभी हमारे लाखन जी ने कहा आपको, कि हम जहाँ भी जाते हैं मुख्यमंत्री जी के पास भी साथ जाते हैं। तो बुढ़ा जी, क्या ये मान लिया जाए कि सरकार में आप माइनस हैं फिलहाल? नहीं, सरकार का ये इंटरवेल हो गया, और इंटरवेल के बाद में जब भी होता है तो थोड़ा सा अल्पहार और थोड़ी सी चर्चा, चाहे वो कोई खेल हो, कबड्डी हो, फुटबॉल हो, सभी के अंदर होता है। ये लोग सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में केस झेल रहे हैं, उस पर भी चर्चा हो रही है। वकीलों में क्या किसी की सदस्यता जाएगी या रहेगी या क्या होगा, इसमें तो सारे माइनस प्लस है। 6 भाई हैं और ये हम 6 सगे भाई की तरह हैं, और इसका विलय वो अलग बात है, लेकिन ये भाईपा तो अलग से रहेगा। आपने माइनस ही है, केस मुद्दत में बड़ा चल रहा है, और सारी चीजें चल रही है ना, माइनस ही है। टोटो के नोटिस आते हैं, कल परसों संदीप भाई के पास भी नोटिस आ गए, हमारे लाखन जी के पास भी आ गए, ये सारा चल ही रहा है। आपके मुकदमे सुप्रीम कोर्ट में चलेंगे तो आपको फायदा होगा नुकसान? किसी के मुकदमे हाई कोर्ट में चले सुप्रीम कोर्ट में तो फायदा, मेरे हिसाब से फायदा मुकदमों में फायदा हो जाता है। सचिन पायलट साहब दावा कर रहे हैं कि 6 मंत्री उनके बनाने चाहिए, इनों में से नहीं, उनके 19 बनाने चाहिए, सारे बनने चाहिए, सभी के बनने चाहिए, हम कब उनका विरोध कर रहे हैं।